फ्रेंड्स वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों ये वीडियो है फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड। जैसा कि बीपीएससी टीजीटी का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, इसको देखते हुए मैंने टॉपिक वाइज सभी एमसीक्यूज को डेली बेसिस से आपके समझ चला रही हूँ एंड आप डेली बेसिस से मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, पूरा क्वेश्चन रिव कीजिए एंड पूरा क्वेश्चन वॉच किया कीजिए, क्योंकि आधा पर मत छोड़िएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं करेंगे धैर्य के साथ कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आपको सफलता मिलने में कठिनाई होगी। कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहेंगे तो आसानी से हो जाएगा एंड ये केवल बीपीएससी टीजीटी के लिए ही नहीं है, अदरवाइज ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी वीडियोज है। यदि आप थ्योरी सेशन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ सभी टॉपिक सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहाँ पे आपके थ्योरी सेशन का प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, यह जीवन की योग्यता है जो एक व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने व उत्तम सेवा के लायक बनाती है, यह परिभाषा किसने दी है स्वास्थ्य की? तो इट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ विच इनेबल्स ए पर्सन टू लाइव ए गुड लाइफ एंड बी कैपेबल ऑफ गुड सर्विस Who has defined health? तो इस हेल्थ की परिभाषा को दिया है जे एफ विलियम्स ने। किसने दिया है? जे एफ विलियम्स ने। जबकि WHO ने स्वास्थ्य की परिभाषा दिया है कि स्वास्थ्य केवल रोगों से दूर रहना ही नहीं है अपितु शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह ठीक रहने का नाम ही स्वास्थ्य है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरावस्था, यहाँ पे पुनरावस्था था, ठीक है, पुरावस्था हो गया है। पुनरावस्था की प्राप्ति को प्रभावित करने वाले घटक हैं, तो पुनरावस्था की प्राप्ति को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तो अधिभार की प्रकृति पर, यानी कि अंडर नेचर सरचार्ज, स्वास्थ्य एवं शारीरिक दक्षता पर, अन हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस, निद्रा यानी स्लीप। तो ये सभी पुनरावस्था, यानी कि आप थके हुए हैं तो पुनः रिहेबिलिटेशन प्रोसेस, यानी कि पुनः पूर्वावस्था में तरोताजा होने के लिए ये सभी चीजें जरूरी हैं, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है, तीव्रतम शारीरिक वृद्धि किसका परिणाम है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फास्टेस्ट फिजिकल ग्रोथ? तो ये परिणाम है मेटाबोलिज्म चेंजेज का, मेटाबोलिज्म प्रोसेस का, चाहे अपचयी परिवर्तन का। यदि आपके शरीर में मेटाबोलिज्म अच्छा है तो शरीर जो अन्न का पाचन होगा वो बहुत व्यस्त तरीके से होगा और जिससे आपका शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से होगा, यानी कि शिशु के शारीरिक विकास का प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार तथा अन्य प्रकार के विकास पर पड़ता है एंड शारीरिक विकास नियंत्रण न होकर चरणों में होता है। चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म शरीर में न होने वाली एक रासायनिक प्रक्रिया है जो खाए गए भोजन के शरीर चलाने को ईंधन में परिवर्तित करता है। मेटाबॉलिज्म के माध्यम से ही, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारे शरीर में जाकर के ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, प्रोटीन खाते हैं तो अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है, वसा खाते हैं तो ग्लिसरॉल या फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके माध्यम से वो इसी को कहते हैं मेटाबॉलिज्म, कन्वर्ट होकर के हमारे बॉडी में स्टोर होता है। जब हमको ऊर्जा की जरूरत होती है तो ये सभी हमको ऊर्जा देते हैं, तो यही है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। अगर मेटाबॉलिज्म के बारे में डिटेल में जानना है तो मेटाबॉलिज्म वाले वीडियो को देखिए, सब आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, मानव क्षमता तथा उत्पादकता की प्राप्ति निर्भर करती है, मानव क्षमता तथा उत्पादकता की प्राप्ति निर्भर करती है। द रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल एंड प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, तो मानव क्षमता तथा उत्पादकता निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? तो यह हमारे दिनचर्या तथा जीवन पद्धति पर निर्भर करती है, यानी कि रूटीन एंड वे ऑफ लाइफ, आपकी डेली रूटीन कैसा है एंड आपकी लाइफ स्टाइल कैसा है, तो ये आपका मानव क्षमता और उत्पादकता इस पर निर्भर करता है, डेली रूटीन और आपके लाइफ स्टाइल पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य क्या है? दोस्तों द एम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का लक्ष्य है कि सबके लिए स्वास्थ्य,
सभी के लिए स्वास्थ्य। एक कहते हैं कि केवल बीमारी से ठीक होना ही स्वास्थ्य नहीं है, अपितु शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होना स्वास्थ्य है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम तथा वृद्धि का घनिष्ठ संबंध है। व्यायाम तथा वृद्धि का घनिष्ठ संबंध है। तो व्यायाम तथा वृद्धि का घनिष्ठ संबंध है। देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज एंड ग्रोथ। तो मात्रात्मक वृद्धि, गुणात्मक विकास, क्वांटिटेटिव ग्रोथ एंड क्वालिटेटिव डेवलपमेंट। तो ये दोनों, ठीक है, व्यायाम तथा वृद्धि का घनिष्ठ संबंध इन दोनों से है, मात्रात्मक वृद्धि एंड गुणात्मक विकास दोनों से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ए दोनों, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड कब हुई, तो 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का स्थापना हुआ, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड, यानी कि मुख्यालय। एंड नेक्स्ट है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है। विच ऑफ द एलिमेंट दैट इफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हेरिडिटी, विटामिन एंड जेंडर, वंशानुक्रम, विटामिन एंड लिंग, ये तीनों जो है वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, तो अनुवांशिकी एंड पर्यावरण, यानी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। एंड नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सारी दक्षता एवं स्वस्थता के विकास में सहयोग नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प द इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी एंड हेल्थ। तो कौन सारी दक्षता स्वास्थ्य विकास में सहयोग नहीं करता, तो प्रतिदिन व्यायाम करना यानी डेली एक्सरसाइज आपको करता है, खेल खेलना भी करता है, योग व्यायाम भी करता है, बट आपका सारी शिक्षा में विषय में लिखना पढ़ना आपको नहीं करता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक दक्षता का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। विच ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, कौन है दोस्तों इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आराम करना, जॉगिंग करना, स्प्रिंट करना नहीं, यहाँ पे गति यानी कि स्पीड जो है महत्वपूर्ण घटक है। क्या है, स्पीड का महत्वपूर्ण घटक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य यानी वेलनेस का महत्व क्या है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ वेलनेस। वेलनेस किसको कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं आरोग्यता या स्वास्थ्यता, और इंग्लिश में कहते हैं वेलनेस, यानी कि बीमारियों से दूर रहना ही क्या है, वेलनेस है। क्या है, वेलनेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेलनेस का महत्व है, स्वास्थ्य का महत्व है, यह अच्छी जीवन यापन में सहायक होती है। आप स्वस्थ रहेंगे, आरोग्य रहेंगे, सभी रोगों से दूर रहेंगे, तभी तो अच्छा जीवन यापन करेंगे, तद इट्स हेल्प इन गुड लिविंग। तो स्वस्थ होने की दशा विशेषता को सुयोग्यता कहा जाता है। सुयोग्यता यानी आरोग्यता, वेलनेस एक व्यक्ति की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह अच्छा संतुलित जीवन व्यतीत करता है। अर्थात योग्यता, सुयोग्यता यानी कि आरोग्यता का वैज्ञानिक अर्थ स्वस्थ होने की दशा व रोगों से मुक्ति है। याद रखिएगा वेलनेस, याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज होते हैं लोग। वेलनेस का मतलब ही होता है आरोग्यता, यानी कि स्वस्थ होने की दशा व रोगों से मुक्ति। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांघों के विकास के लिए सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा है। व्हाट इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर डेवलपिंग थाई। तो वो है आपका वजन के साथ अधि बैठक लगाना, यानी कि स्क्वैटिंग विद वेट्स, ठीक है, वजन के साथ अधि बैठक लगाना। नेक्स्ट दोस्तों, दुरुस्तता के अभाव में कौन से कारक हैं। दुरुस्तता के अभाव इनमें से कौन सा कारक है। व्हाट इज द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर लैक ए करेक्टनेस। तो दुरुस्तता के अभाव में कौन सा कारक हो जाता है, तो इसमें मांसपेशी ऐंठन की समस्या आ जाती है, मसल्स क्रैम की, जो आपके अंदर शरीर में पानी की कमी हो जाएगा, और पानी में कमी से पैर और पानी की कमी से भी पैर की उंगलियां सहित कई अंगों में मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। खासतौर पर व्यायाम के समय जब पसीना बहुत ज़्यादा बहता है
तब खूब पानी पिए और शरीर को हाइड्रेट रखें। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो अत्यधिक इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण मांसपेशियों में आयरन यानी क्रैम्प हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक गतिविधियों से ज्यादा प्रभावित होने वाले परिणामों के प्राप्त होने के तरीके हैं। शारीरिक गतिविधियों से ज्यादा प्रभावित होने वाले परिणामों के प्राप्त होने के तरीके हैं। आर द मेथड ऑफ अचीविंग रिजल्ट्स मोर इन्फ्लुएंस्ड बाई फिजिकल एक्टिविटी। तो किससे ज्यादा प्रभावित होगा, निरंतर अभ्यास पर जोर यानी इम्फेसिस ऑन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। डेली बेसिस आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपकी सारी गतिविधियां प्रभावित होंगी, इंप्रूव होगी। एंड नेक्स्ट है, स्पाइन यानी मेरुदंड की मजबूती के लिए सबसे जरूरी क्या है। विच आर व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेंथिंग द स्पाइन। तो स्पाइन की मजबूती के लिए सबसे जरूरी है झुकने वाले व्यायाम, बेंडिंग एक्सरसाइज। यानी कि स्पाइन की मजबूती के लिए तीन गुण आपकी रीढ़ की हड्डी में भी होने चाहिए। पर अक्सर होता है कि विपरीत, इसके विपरीत होता है। वर्ल्ड स्पाइक पिक के मौके पर हमें बताया गया है कि किस तरह रीढ़ की हड्डी समय से पहले बूढ़ी हो रही है। शरीर के अन्य अंगों की तरह उम्र का असर हमारे रीढ़ की हड्डी पर भी पड़ता है। रीढ़ की सेहत बहुत हद तक पेट की मांसपेशियों पर निर्भर करती है। पेट में अधिक वसा मांसपेशियों पर खिंचाव डालती है और उन्हें कमजोर बनाती है। इससे रीढ़ के पर जोड़ जो है, रीढ़ की जो जोड़ ज्वाइंट्स होते हैं वो वीक होने लगते हैं, कमजोर होते हैं। वह रीढ़ में अनियमितता का जोखिम बढ़ जाता है। पेट पर अधिक वसा शरीर के भाग को आगे की तरफ लिफ्ट करती है, यानी कि आगे की तरफ शिफ्ट करती है। अगर पेट में यदि ज्यादा वसा है तो जिससे पीठ व कमर जो है पर ज्यादा दबाव बढ़ जाता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है, जीवन के जैविक आधार में शामिल है। तो जीवन के जैविक आधार में क्या शामिल है, द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इंक्लूड्स। तो जीवन के जैविक आधार में शामिल है यहाँ पे गामक फिटनेस। यहाँ पे जीवन के जैविक आधार में क्या शामिल है दोस्तों, तो जैविक आधार की बात कर रहा है तो शरीर से रिलेटेड आप जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शारीरिक व्यायाम एंड आहार, यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज एंड डाइट। ए दोनों आपके जैविक आधार हैं, तो बी और डी दोनों राइट होगा। गामक फिटनेस एंड बुद्धि ए आपके हैं बट जैविक आधार की बात कर रहा है तो जिसमें सारे व्यायाम और आहार आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड जमा होने से कौन सी स्थिति पैदा होती है। विच कंडीशन इज कॉज्ड बाई एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड के जमा होने से क्या हो जाता है, थकान यानी कि फटीग उत्पन्न होता है, थकान उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि जब कोई खिलाड़ी नियमित मांसपेशीय व्यायाम प्रारंभ करता है तब मांसपेशियों में कुछ स्थायी बदलाव होते हैं। यदि नियमित व्यायाम नियमित किया जाए तो लैक्टिक एसिड के निर्माण और संचय से कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड फॉस्फेट कम बनता है जिससे खिलाड़ी को थकान देर से होती है। यदि आप एकाएक कर रहे हैं बहुत ज्यादा, एकाएक ज्यादा लैक्टिक एसिड बन गया तो जैसे कि आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं तो क्या होता है कि आपके शरीर में देर से लैक्टिक एसिड बनेगा तो आप देर तक काम कर पाएंगे। तो इस प्रकार लैक्टिक एसिड बनने से हमारे शरीर में क्या होती है, थकान होती है। एंड नेक्स्ट है, व्यक्ति के स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है, अफेक्ट द पर्सन्स हेल्थ सिग्निफिकेंटली। तो महत्वपूर्ण ढंग से कौन प्रभावित करता है व्यक्ति के स्वास्थ्य को, तो वो है आपका दिनचर्या है कि आपकी डेली रूटीन क्या है, वो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। यदि आपका खान पान दैनिक शारीरिक क्रियाविधि के ऊपर आधारित होती है जिससे व्यक्ति का स्वास्थ्य पूर्ण रूप से प्रभावित होता है। एंड नेक्स्ट है, व्यक्ति का स्वास्थ्य निम्न के सार्थक रूप से किससे संबंधित होता है। ए पर्सन हेल्थ इज सिग्निफिकेंटली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका लाइफ स्टाइल यानी कि जो
जीवन शैली होती है कि सार्थक रूप से संबंधित है। यदि जीवन शैली ठीक नहीं होगी तो व्यक्ति अस्वस्थ रहेगा, किसी न किसी रोग से ग्रसित होगा और उसके दैनिक कार्य प्रभावित होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्था में यह शामिल नहीं है। इट इज नॉट इंक्लूड इन द हेल्थ रिलेटेड सिस्टम। तो कौन नहीं है दोस्तों? जैसे कि लोच यानी कि इलास्टिसिटी यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, सहन शक्ति, शरीर संरचना, ये सब इंक्लूडेड है, बट आपका गति इंक्लूड नहीं है, गति इंक्लूड नहीं है। तो आप क्वेश्चन जैसा पूछेगा उसके अनुसार आंसर दे सकते हैं, क्योंकि फिजिकल फिटनेस को दो भागों में बांटा गया है, हेल्थ रिलेटेड एंड मोटर स्किल रिलेटेड। हेल्थ रिलेटेड में आपका कार्डियो रिस्पिरेटरी एंड्योरेंस, बॉडी कंपोजिशन, मसल्स स्ट्रेंथ, मसल्स एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी आता है। एंड मोटर स्किल्स रिलेटेड में स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, कोऑर्डिनेशन आता है। तो सहन शक्ति जो है वो मस्क्यूलर एंड्योरेंस एंड मस्क्यूलर स्ट्रेंथ ये शब्द जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण आपका है गति एंड स्पीड, तो गति एंड स्पीड आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शारीरिक शिक्षा तथा खेलों का व्यावसायिक करियर है? व्यावसायिक करियर है, यहाँ पे व्यावसायिक करियर है, तो कौन यहाँ पे व्यावसायिक करियर है दोस्तों? क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया है। विच आर द फॉलोइंग इज ए प्रोफेशनल करियर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, जबकि यहाँ पे था कौन अव्यवसायिक करियर है, यानी क्वेश्चन में अव्यवसायिक था तो यहाँ व्यवसायिक हो गया है, तो उसके अनुसार आंसर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो है व्यवसायिक करियर कौन सा है शारीरिक शिक्षा में? तो विद्यालय में शारीरिक शिक्षा का शिक्षक एंड शैक्षिक संस्था में खेल प्रशिक्षक, ये आपका एक व्यवसायिक जो शारीरिक शिक्षा के लिए व्यवसायिक करियर है। देखिए व्यवसायिक करियर कौन नहीं है पूछेगा, तो हेल्थ क्लब में फिजिकल इंस्ट्रक्टर, जन संचार में स्पोर्ट्स रिपोर्टर, ये दोनों नहीं है। नहीं है पूछेगा तो बी और सी सही रहेगा, और है पूछेगा तो ए और डी राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक व्यायाम के लाभ हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज? तो क्या लाभ है दोस्तों? ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है एंड हृदय घात की कम संभावना होती है, यानी इंक्रीज इन एनर्जी एंड लेस चांस ऑफ हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक की कम संभावना होती है और ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है शारीरिक व्यायाम से। तो यहाँ पे ए और सी आपका राइट होगा, ए और सी आपका क्या होगा? राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब्ज होने के कारण है? कॉन्स्टिपेशन इज ड्यू टू, तो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज किसके कारण होता है? बड़ियात का कम कार्य करना, यानी कि बड़ियात जो है कम कार्य करता है, फंक्शन सही ढंग से नहीं करता, तो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो जाता है। एंड नेक्स्ट है, शारीरिक क्रियाकलाप के जीव वैज्ञानिक आधार में निहित है। द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी लाइज इन, तो कौन है दोस्तों शारीरिक क्रियाकलाप के जीव वैज्ञानिक आधार में निहित? तो यहां पे आप देख सकते हैं लिंग, आयु, अभिलक्षण, सेक्स एंड एज कैरेक्टरिस्टिक्स, वृद्धि तथा व्यायाम, ग्रोथ एंड एक्सरसाइज, ये दोनों आपके बायोलॉजिकल यानी जीव वैज्ञानिक आधार हैं। तो यहाँ पे ए एंड बी आपका राइट हो जाएगा, जबकि मोटर स्किल्स एक्यूशन एंड ट्रांसफर ऑफ इवेंट मोमेंट ए नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव की वह क्षमता जो पर्यावरणीय मांगों को पूरा करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? द एबिलिटी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म टू मीट एनवायरमेंटल डिमांड्स इज
कॉल्ड तो एनवायरमेंटल जो डिमांड्स होती है, जीव की वह क्षमता जो पर्यावरणीय मांगों को पूरा करती है, तो उसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन दिया है उसके ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा क्षमता, यानी कैपेसिटी, आपकी कितनी है, आपका फिजिकल फिटनेस कितना है। अभी फिटनेस होता तो फिटनेस डाइट होता, तो फिटनेस कैसा है वो आपको पर्यावरणीय मांगों को जिस इन्वायरमेंट में जैसा समय आएगा आप उसको अपने अनुसार ढाल लेंगे, आप उसमें थकान महसूस नहीं करेंगे, तो आपका होगा फिटनेस यानी क्षमता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया कीजिए और इसी तरह डेली बेसिस से प्रैक्टिस कीजिए। और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो होगा आपके स्पोर्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए